को आज मैं बताने वाली अपना पूरा एड्रेस और अपने बच्चे के साथ मैं कहाँ रहती हूँ। तो आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगी पहले इसका आधार कार्ड जो भी हो मैंने वो करवा दिया है। अब 10-15 दिन बाद मुझे कहीं से भी दुकान वगैरह शॉप वगैरह जहाँ से वो होता है प्रिंट वगैरह वहाँ से निकलवाना है और फाइनली बाबू का आधार कार्ड बन के डन। लीजिए आप लोग खाइए किसमिस। हाँ खा लिया बस अब तू खा ले। आप लोगों को खिलाता है फ्रेंड्स किसमिस ये है ना। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग वीडियो में। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि मेरा पूरा एड्रेस क्या है और मैं कहाँ रहती हूँ अपने बच्चे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, इन्जॉयमेंट करते रहिए। अभी तो पहले तो यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं और बहुत ही ज़रूरी काम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे आप लोग को ज़रूर बताएंगे। चलिए अभी ब्लॉग में बने रहिए, वहाँ से आज बहुत ही ज़रूरी काम। पहले तो आप लोग को बताना चाहेंगे कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि उसके लिए क्या बोलते हैं रफरी का आधार कार्ड। तो आज मैं उसी काम से जा रही हूँ। चलिए अगर काम डन हो जाएगा तो ज़रूर आप लोगों को सरप्राइज़ देंगे। चलिए ब्लॉग में बने, पहले हम उस जगह पर पहुँचते फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स इसको लगा कि मम्मी थक गई, मैं पूरा हँसने लगी। तो जो इसके बस के बाद था पन्नी उसका सब मैं अपना आधार कार्ड वगैरह रख रखी हूँ और इसका जन्म पत्री वगैरह मेरे तरह दे दे। ये देखिए हाँ ले रखो बच्चा, हाँ कह रहा दे दे तो मैंने दे दिया। काफ़ी दूर पहले जाना पड़ रहा है, ऑटो ऑटो बहुत कम चलता है इधर क्योंकि घर के पीछों बीच बीचों बीच पता नहीं संपर्क में बनता हमारे यहाँ पे। तो यहीं जा रही हूँ, बहुत समझदार हो गया, बहुत ही ज़्यादा। बाप रे थक गए हैं रफरीत, मम्मा बेटा थक गए ना, बहुत थक गए ना। चलिए फिर पहुँचते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं क्योंकि मेरा सांस पूरा फूल है। 1 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही दूर है, पैदल जाना पड़ रहा है बाबू। चलिए आई फ्रेंड्स, मैंने अपने बाबू का जो भी आधार कार्ड बनवा दिया है। हाँ बढ़िया मस्त। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरे बेटे रफरीत का आधार कार्ड जो भी हो मैंने वो करवा दिया है। अब 10-15 दिन बाद मुझे कहीं से भी दुकान वगैरह शॉप वगैरह जहाँ से वो होता है प्रिंट वगैरह वहाँ से निकलवाना है और फाइनली बाबू का आधार कार्ड बन के डन। अभी चलिए आप लोग को घर में दिखाते हैं, कागज जो स्लिप मिली है वो दिखाते हैं आपको। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, घर पहुंचते हैं फिर आप। बाबू का आधार कार्ड वगैरह तो बनवा के आ गई, तो मैं घर आते ही मैंने पहले बनाया चावल, फिर बनाया दाल, देख लीजिए अभी भाप निकल ही रहा है। और अभी इधर मैंने थाली में दाल चावल निकाल लिया है और यहाँ पे फैन देख लीजिए आलू की भुजिया, प्याज हरी मिर्च भी लिया है। वैसे खाने का तो कोई इरादा नहीं कि हम खाएंगे ही, बस ले लिया है, शौक चढ़ी थी। पर अब प्रीत को देख लीजिए यहाँ पे बैठा है खाने के लिए। तो अभी चलिए आप लोग, बस शाम का टाइम और आज मेरे घर का इतना बुरा हाल है कि अब कुछ भी बता नहीं सकते आप लोगों को। इतना बुरा हाल है कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और रूठे रूठे एकदम बेगाने बेगाने रहते हैं और मन ही नहीं करता। रोना धोना टेंशन मेंशन सब कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और मेरा जो बेटा है उसको देखो कैसे मेरी चूड़ियों को तोड़ने में लगा है। क्या कर रहा है तू पापा वाला? ये भैया बाबा ने मंगाया था इसके लिए बहुत पहले जब हम उधर रह रहे थे अकेले, यहाँ भी अकेले वहाँ भी अकेले ही थे जब अलग रह रहे थे उस टाइम। अब तो वाह हीरो वाह, मैं इस दिन के लिए चूड़ियाँ नहीं लाई थी पुत्र, तूने तोड़ दिया। ये देखिए कैसे मेरी चीज़ों को नुकसान करता है मेरा बेटा। खैर मैं इसको फेविकोल से चिपकाऊंगी तो चिपकने का संभावना है। और आज फाइनली मैंने पहले इसको मैं रख दूँ फ्रिज चला दिया और मेरा बटर और चीज़ मैं लेके आई थी पिघल के एकदम ऐसा हो गया जिसका कोई हाल नहीं।
और मैं लेके आई, रुक जा दिखाने दे, मैं लेके आई थी शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह, जो कि आपको पता है दाल में अब जब तक मैं टमाटर और क्या बोलते हैं उसे, धनिया वगैरह नहीं। वैसे मेरे फ्रिज में भी कुछ भी नहीं है फ्रेंड, देख लो पूरा खाली है, लेकिन मैंने फ्रिज चलाना सही समझा। और अब मैं सोच रही हूँ मिक्सर वगैरह यहाँ से हटा दूँ, फ्रिज पे इतना लोड देने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ना। और फाइनली मैंने दिन में जो खाना बनाया था उतना बर्तन मांजा ना, आज मैंने पानी भरा क्योंकि मिला ही नहीं भरने को। पहली बात तो मिला क्या, मैं नहीं चाहती ज़्यादा किसी में घुसो और फिर कोई कर रहा हो तो मुझे भी भरना। मैं चलो एक कैंपर इसमें भर देती हूँ, ये सब पड़ा होता है। और अभी बचा है दूसरा चावल और इसमें दूसरा दाल बचा है, तो अभी मुझे उसी में मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा रखा हुआ है गुदा आटा, आज फिर बनाना मतलब बनाने को सोचते हैं पिज्ज़ा। अच्छा मैं थोड़ी सी क्लिप अपनी पिज्ज़ा वाली डालूंगी, उस दिन मैंने पिज्ज़ा बनाया था लेकिन मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मैदा नीचे से तो पक गया और पूरा एकदम जल गया और ऊपर से पूरा मैदा मैदा ही था। हमने सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तो अभी चलिए फटाफट पहले मैं अपना बेड सेट करूं, उसके कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखूं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, आज मेरे पेट में पेन भी हो रहा था और मैं ऐसे ऐसे करती तो और भी ज़्यादा होने की संभावना हो सकती है। ओए हीरो क्या कर रहा है तू, पोपो बजा रहा है। चलिए मिक्सर जार वगैरह हटाते हैं ना, ये मिक्सर मशीन यहाँ से ना हटाते क्योंकि फ्रिज चला दिया, इस पर ज़्यादा लोड ना देना। चलिए मिलते हैं चुटकियों में घर को साफ करने। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा काम हो चुका खत्म, तो देख लीजिए बेड एकदम सेट हो गया है और इधर मांजने वाले बर्तन तो पहले किचन साफ और नीचे लगा दिया है झाड़ू। झाड़ू लगा कूड़ा घर के अंदर रखा, बाहर नहीं रखा, कपड़े भी धुलने के लिए रखा हुआ है। और मैं ना अपना नोज पिन उतार रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए रपरीत खींच रहा है अभी, इसलिए उतार रही हूँ क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, इसलिए नहीं तो मैं उतारती ना। चलिए एक मिनट, तो फाइनली नोज पिन भी उतार दिया। और तू क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है मम्मा? किसमिस लीजिए, आप लोग खाइए किसमिस। हाँ खा लिया, बस अब तू खा ले। आप लोगों को खिलाता है फ्रेंड्स किसमिस, ये है ना फ्रेंड्स को किसमिस खिलाता। बैठ जा तो बाबू, तेरा बाबू का बाबू ला के दिखा दे, अपने बाबू, अपने बाबू को खिला दे, बाबू को, बाबू खिला दे अपने, तेरा बाबू का बाबू खिला दे किसमिस, पहले अपने बाबू को किसमिस खिला दे, बाबू को नहीं खिलाएगा। और यहाँ पे ये सारी फोटोज जो लगा दिया अच्छा तो लग रहा है, लेकिन दीवार थोड़ा पेंट हो जाए ना तो और भी प्यारा लगे, है ना फ्रेंड। ये सब रपरीत कर दूते हैं, रपरीत जो है ना पूरा का पूरा फोटोज को, ये देखिए अब ऐसे ऐसे करेगा, ये देखिए ऐसे करता है। थोड़ा पहले से थोड़ा सही भी दिखने लगा रूम हमारा, नहीं तो पहले तो और भी भद्दा लगता था, कुछ नहीं लगा था। ये तो भैया भाभी ने भेजा था ये फोटो, इस पर लैमिनेशन हो रखा है फ्रेंड, खराब नहीं होगा, उसमें शायद नहीं हो रखा। लीजिए खाइए आप लोग किसमिस खाइए। और मेरे ना जुए बहुत हो गए हैं फ्रेंड प्रेगनेंसी की वजह से, है हमको दे, हमको दे, भाग जा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर बाद। गुड मॉर्निंग, क्या देखिए कैसे पू कर रहा है, होता कुछ नहीं है इसको, भूख मिटनी नहीं है, लेकिन बेड पे सुसु किया तूने, बेड पे सुसु किया आज रपरीत, क्या है है रपरीत, आज कुछ है बाबू, आज बाबू है कह रहा आज बाबू है, आज बाबू नहीं है, आज जो तेरा पापा जानवर से ना जो तुझसे प्यार नहीं करता, आज उसका बर्थडे है, कहने बता 13 मार्च है तो फ्रेंड रोहन का है बर्थडे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ आप लोगों को बता ही सकते हैं और कुछ तो कर सकते नहीं है कि नहीं, जो हमारे बीच है ही नहीं।
चल बाय बोल, सभी को बाय बोल, फिर मिलेंगे, बोल फिर मिलेंगे, बोल फिर मिलेंगे आप लोगों से। डो गया आँख वाला किसी करता है। चल पानी पी लो। चलिए भाई मॉर्निंग हो चुका है, मिलते थोड़ी देर बाद आप लोगों से। बाय। उठते ही टेके मेरे भगवान जी को मत्था, तो गुड मॉर्निंग भगवान जी को भी बोलिए और मत्था टेके, राधे राधे बोलिए। और इधर मिला क्यों छबी था जो मम्मा कहीं जा कर। हाँ क्या ऐसे में रख रख बात क्यों जाए क्या बाहर नहीं जाना बेटा, अभी कौन जाता है बाहर सुबह सुबह बाहर कौन जाता है, पहले तो बड़ा हो जा, मॉर्निंग वॉक करेगा, मॉर्निंग वॉक पहले पूछे दे, मॉर्निंग किस तो जल्दी गुड मॉर्निंग। तो आइए फ्रेंड चलिए हमारे किचन में। हमारे घर का हाल ऐसे हो रखा है कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते। ये देखिए इतना सारा बर्तन, इतना सारा यहाँ से वहाँ फैला हुआ है और मेरे घर में पीने का एक बूंद पानी नहीं है, बस कैंपर में। चलिए उसी से काम चलाना पड़ेगा शाम तक, फिर शाम को तो 5 बजे पानी आएगा, फिर कैसे भी कुछ करेंगे। और रात में मैंने बना के खाया था आलू का पराठा, लेकिन मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, बटर के साथ आलू का पराठा खाया, तभी मेरा तवा इतना जला हुआ है ऑयल ऑयल से। और ये मैंने देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, देखिए आप लोग को देखिए क्या क्या है इसमें, क्या अखरोट है, अंजीर है और बादाम है, काजू है, किशमिश है, मिल्क है। अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और गर्म दूध करके मैंने इसमें डाल दिया था। अब करना ये है कुछ नहीं करना है, जाके जल्दी से ब्रश करके आना है। क्यों बाबू चपच्चा दो इसको, चपच्चा दे दो, चपच्चा पहन ले बस, ब्रश करेंगे फटाफट उसके बाद फिर। अभी तो जा रहे फ्रेंड ये बेड शीट उठाएंगे क्योंकि बाबू ने दो बारिश में शुशु कर दिया है, तो बेड शीट होगी खराब, तो दो बारिश में बाथरूम कर दिया, तो बेड शीट हटाएंगे। फिर बहुत सारे कपड़े वो देखिए धुलने के लिए रखे हैं, देखा आप लोग ड्रेसिंग टेबल के पास वो सारे कपड़े धुलने हैं। ऐसे तो डेली मैं एक जैसे खा रही थी थाली में, ऐसे थाली धुल के रख रही थी इसलिए ज़्यादा फैल नहीं, तो बहुत फिर चल बाहर के शेयर करा के लो, चल चल चल, देखिए खुश हो गया। हाँ बाहर चल, गुड मॉर्निंग, फिर से आ चुके हैं घर से बाहर पूरा, इधर सूर्य जी देव जी हमारे इधर से निकलेंगे थोड़े थोड़े, तो इधर से रोशनी आ रही है, अब कहाँ से निकलेंगे नहीं पता, इधर से निकलेंगे। और इसका देखो डांडिया खेल रहा है लड़का, आ जा आ जा आ जा, इसके स्लीपर वगैरह नहीं पहना है, ऐसे खुले पैर लेके आ जा, मम्मा ने पूछी दे, चल पूछी दे पूछी दे, चल इसीलिए बाहर आता है, ये डंडे बुढंडे बुढंडे नहीं मिलते इसको खेलने के लिए। गंदा बच्चा, शायद में बाल आ रहे हैं तेरे, चिड़िया के बस नहीं। और बाहर आ चुके हैं, और बाहर बढ़िया है, गेहूँ का सीजन है फ्रेंड्स, धान ही बोलते हैं ना, धान लगा है, धान बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, धान बोलते हैं शायद, ये गेहूँ लगा है, गेहूँ है तो चावल है पता नहीं है, मुझे दिमाग से मेरे उतर गया, वैसे मुझे पता था क्या लगा हुआ है, वैसे अभी दिमाग में नहीं है क्या लगा है। हेलो ए, हाँ ये देखिए कैसे देख रहे, देखिए आ जा गोदा, आ जा मम्मा की गोदा, दोनों डंडे फेंक, डंडे फेंक फटाफट फेंक फटाफट फेंक, आ जा गोद में आ जा, हाले बस तेरा हो गया घूमी घूमी। चल अब घर के अंदर चलिए फ्रेंड्स, आप कपड़े धोएंगे, हनू करेंगे, आज बहुत सारा रील वगैरह भी बनाना है। हाँ जी चाबू जी जी, क्या बोल रहे हैं बोल, चलिए फैम वीडियो को एंड करेंगे, सभी को बाय बाय, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे व्लॉग के साथ। तो जो हमारे चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अपने फ्रेंड में शेयर कर दें। बाय बाय।